हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपके इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, द नेम इकाइनोडर्मेटा वॉज कॉइंड बाय, जो इकाइनोडर्मेटा जो है नाम ये किसने दिया था। तो ये जो नाम है वो आपका, ये आपका दिया था ऑप्शन डी, जैकब क्लेन ने आपका इकाइनोडर्मेटा टर्म जो है ये आपको कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी, इनमें से किसकी जो है आपका रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, स्टारफिश, पिजन, फ्रॉग, एप्पल स्नेल। तो जो रेडियली सिमेट्रिकल होती है ये होती है आपकी स्टार फिश की। इकाइनोडर्म्स में जो आपका जनरली मैच्योर जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं आपके रेडियली सिमेट्रिकल, और इनके जो लार्वा होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, स्टार फिश। नेक्स्ट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है, स्पंजेस, इकाइनोडर्म्स, निडेरियंस या आर्थ्रोपॉड्स। राइट आंसर ऑप्शन सी, इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, स्पंजेस में आपका वाटर कैनाल सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, इकाइनोडर्म्स शो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, इकाइनोडर्म्स जो है वो कौन कौन से आपके करेक्टर शो करते हैं। स्पाइनी स्किन, रेडियली सिमेट्रिकल, ये तो ऑप्शन आपका सही है, स्मूथ स्किन, रेडियली सिमेट्रिकल नहीं होगा, स्पाइनी स्किन, बायलेटरल सिमेट्रिकल, सेस ऑप्शन नहीं होंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्पाइनी स्किन एंड रेडियली सिमेट्रिकल। नेक्स्ट है, मैट्रिपोराइट इज अ स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक ऑफ सम मेंबर्स ऑफ, मेट्रीपोराइड जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है सब मेंबर्स, किस मेंबर्स का, एल्यूथेरोजोआ, पॉलीजोआ, एंथोजोआ या मेट्रीपोराइडी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, एल्यूथेरोजोआ। ये जो है आपका एक प्रकार से सब फाइलम है इकाइनोडर्मेटा का। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्म्स इज, जो इकाइनोडर्म्स का स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस, काइटिनस, कैलकेरियस या सिलिशियस। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, कैलकेरियस। इनका जो स्केलेटन होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, कैलकेरियस होता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन इकाइनोडर्मेटा, किस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन है वो इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, इन कोकून या उथिका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक्सटर्नल। इकाइनोडर्म्स में आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकाइनोडर्मेटा ट्यूब फिट आर रिलेटेड टू, इकाइनोडर्मेटा में जो ट्यूब फिट है वो आपका किससे रिलेटेड है। तो इकाइनोडर्मेटा में जो ट्यूब फिट है, इसमें फोर ऑप्शन दे रखे हैं, एम्बुलेटरल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो ट्यूब फिट है, इस जो मेन आपका रिलेटेड है वो आपका है एम्बुलेसरल सिस्टम से। ट्यूब फिट जो है वो एम्बुलेसरल सिस्टम में आपका पाई जाती है। एम्बुलेसरल सिस्टम एक प्रकार से जो वाटर का सर्कुलेशन होता है सिस्टम, वही आपका एम्बुलेसरल सिस्टम कहलाता है, सर्कुलेशन सिस्टम बोल लीजिए। नेक्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेसरल सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स इज,
मेन फंक्शन क्या है एम्बुलेटरी सिस्टम का? डिफेंस, फूड कलेक्शन, सर्कुलेशन या लोकोमोशन? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्कुलेशन। नेक्स्ट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इकाइनोडर्म्स आर? इकाइनोडर्म्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो इसमें आपका कॉक्सल ग्लैंड, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड, ये तीनों नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन इकाइनोडर्मेटा आर? इकाइनोडर्मेटा में लोकोमोशन के लिए कौन सा ऑर्गन्स होता है? सीडोपोडिया, फुट, पैरापोडिया या ट्यूब फीट? तो लोकोमोशन या फुट एक प्रकार से सर्च के लिए जो आपका ऑर्गन वर्क करता है, तो लोकोमोशन के लिए हो जाएगा आपका ट्यूब फीट। नेक्स्ट है, नेम फ्रेश वाटर इकाइनोडर्म्स। इसमें आपका कौन सा जो है वो आपका फ्रेश वाटर इकाइनोडर्म्स है? तो चूंकि आपके जो इकाइनोडर्म्स होते हैं ये जनरली आपके मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर में आपका नहीं पाए जाते हैं, तो राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द जेनेरिक नेम ऑफ फेदर स्टार? फेदर स्टार का जेनेरिक नेम क्या है? एस्टीरियाज, एंटीडॉन, इकाइनस या होलोथ्यूरिया? राइट आंसर ऑप्शन सी, एंटीडॉन। नेक्स्ट है, स्टारफिश बिलोंग टू द क्लास, स्टारफिश किस क्लास से बिलोंग करती है? स्पीसीज ऑफ राइडिया, एस्ट्राइडिया या सिफेलोपोडा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एस्ट्राइडिया। स्टारफिश जो है वो क्लास एस्ट्राइडिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, ब्रैंक्यूलेरिया लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ? ब्रैंक्यूलेरिया जो लार्वा है वो किसकी लाइफ हिस्ट्री में पाया जाता है? स्टारफिश, शीपिया, लीच या ऑल ऑफ दिस? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, स्टारफिश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन इज शोन बाई स्टारफिश? इनमें से कौन सा जो फिनोमेनन है स्टारफिश शो करती है? पार्थिनोजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, ऑटोटॉमी या पॉलीमॉर्फिज्म? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑटोटॉमी। जो स्टारफिश है वो आपका ऑटोटॉमी, इसमें आपका जो आर्म्स है वो ब्रेक कर देती है बॉडी से, यही प्रोसेस आपका कहलाता है ऑटोटॉमी। नेक्स्ट है, स्टारफिश इज अ, स्टारफिश क्या है? बेंथोइक एनिमल, लॉटिक एनिमल, पिलेजिक या नन ऑफ दिस? तो स्टारफिश जो है वो आपका बेंथोइक एनिमल है। नेक्स्ट है, स्टारफिश आर, स्टारफिश क्या है? ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स या ऑटोफेजिक? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्निवोर्स। वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स इज नॉट फाउंड इन स्टारफिश? पैरासिटिज्म, नॉक्टर्नल हैबिट, ऑटोटॉमी या बेंथोइक? तो बेंथोइक और ये दोनों तो पाए जाते हैं, नॉक्टर्नल हैबिट भी इसमें होती है, तो ये जो आपका पैरासिटिज्म है ये नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पैरासिटिज्म। नेक्स्ट है, बास्केट स्टार बिलोंग्स टू द क्लास, बास्केट स्टार जो है वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं? तो बास्केट स्टार जो है ये आपका, इनका क्लास है आपका क्लास ऑफिराइडिया, क्लास ऑफिराइडिया से आपके जो बास्केट स्टार हैं वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, एरिस्टोटल लैंटर्न इज करेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म क्लास? एरिस्टोटल लैंटर्न जो है वो किस क्लास से आपका बिलोंग करता है? एकनाइडिया, एस्ट्राइडिया, ऑफिराइडिया या होलोथ्राइडिया? राइट आंसर ऑप्शन ए, एकनाइडिया।
नेक्स्ट है एरिस्टोटल लैंटर्न इज यूज्ड फॉर, एरिस्टोटल लैंटर्न का यूज क्या है, चीविंग, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन या क्यूमो रिसेप्शन। सो राइट आंसर ऑप्शन ए चीविंग, चबाने का जो काम है वो आपका एरिस्टोटल लैंटर्न उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीड्स अपॉन डेट्राइटस एंड प्लैंकटॉन, इनमें से कौन जो है वो आपका फीड करता है डेट्राइटस और प्लैंकटॉन को। सो सी आर्चिन, सी कुकुम्बर, फेदर स्टार या ब्रिटल स्टार। सो राइट आंसर ऑप्शन सी सी कुकुम्बर्स, सी कुकुम्बर्स जो है वो आपका डेट्राइटस और जो प्लैंकटॉन है इनको फीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्वल स्टेजेस ऑफ होलोथीरियंस, जो होलोथीरियंस में आपका जो लार्वल स्टेजेस पाई जाती है वो आपका कौन सी होती है। तो होलोथीरियंस में आपका होती है ऑरिकुलेरिया लार्वल स्टेज पाई जाती है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द लार्वा ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश का जो लार्वा है वो क्या होता है, बाइपिनेरिया, प्लूटियस या ऑरिकुलेरिया या पैरेन्काइमुला। राइट आंसर ऑप्शन ए बाइपिनेरिया। नेक्स्ट है विच वन इज द कॉमन एंसेस्ट्रल लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट, इनमें से कौन जो है वो आपका एंसेस्ट्रल लार्वल फॉर्म है, इकाइनोडर्म्स में भी है, हेमिकॉर्डेट्स में भी और आपका कॉर्डेट्स में भी है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं डाइप्लूरुला, टॉर्नेरिया, बाइपिनेरिया या ट्रोकोफोर। सो राइट आंसर ऑप्शन ए डाइप्लूरुला। नेक्स्ट है विच इज अनरिलेटेड, अब इनमें से जो समूह है इनमें से कौन जो है वो बिल्कुल भिन्न है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं सी स्टार, सी स्क्विड या सी कुकुम्बर या सी आर्चिन। तो इसमें जो बिल्कुल अलग है बाकी सब तो आपके इकाइनोडर्म्स हैं, सी स्क्विड जो है ये आपका कॉर्डेट का है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी सी स्क्विड। नेक्स्ट है द नेम ऑफ एक्सोस्केलेटन इन इकाइनोडर्मेटा इज, जो सॉरी द नेचर है, द नेचर ऑफ एक्सोस्केलेटन इन इकाइनोडर्मेटा इज, इकाइनोडर्मेटा का जो एक्सोस्केलेटन है इसका नेचर कैसा होता है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं सिलिशियस, कैलकेरियस, ट्यूनिसिन या काइटिनस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि जो एक्सोस्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तो इसका जो नेचर होता है वो कैलकेरियस होता है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, किसमें आपका जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, पोरीफेरा ओनली, इकाइनोडर्मेटा ओनली, बोथ पोरीफेरा इकाइनोडर्मेटा, नन ऑफ अबव। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि जो वाटर वेस्कुलर पोरीफेरा में पाया जाता है, लेकिन पोरीफेरेंस में आपका होता है वाटर कैनाल सिस्टम। सो राइट आंसर ऑप्शन बी इकाइनोडर्मेटा ओनली। नेक्स्ट है इन विच क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेटा स्टाल्क इज फाउंड फॉर अटैचमेंट ऑफ विथ सबस्टेटम, कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्मेटा का इसमें स्टाल्क पाया जाता है और ये आपका सबस्टेटम से अटैच होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्राइनोइडिया। नेक्स्ट है इन विच क्लास ऑफ इकाइनोडर्म बाइपिनेरिया लार्वा इज फाउंड, अब इकाइनोडर्म्स का ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें आपका बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है, क्राइनोइडिया, एस्ट्राइडिया, पेंटामेरिया या होलोथ्राइडिया। सो राइट आंसर ऑप्शन सी एस्ट्राइडिया, बाइपिनेरिया लार्वा जो है ये आपका एस्ट्राइडिया यानी स्टारफिश जो है इसमें पाया जाता है।
नेक्स्ट है विच फाइलम हैज नन ऑफ फ्रेश वाटर फॉर्म, कौन सा ऐसा फाइलम है जो आपका जिसके जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं, कॉर्डेटा, इकानोडर्मेटा, पोरीफेरा एंड मोलस्का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इकानोडर्मेटा। ये टोटली इकानोडर्मेटा जो है वो आपका मैरीन वाटर बॉडी में ही आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो है इसमें से आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट है ऑल एनिलिड्स हैव सीटी, नहीं होगा। ऑल मोलस्कन्स हैव इंटरनल और एक्सटर्नल शेल, ये भी नहीं होगा। ऑल इकानोडर्म्स हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये आपका सही होगा, सभी में आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ऑल आर्थ्रोपॉड्स हैव एट लीस्ट वन पेयर ऑफ एंटीने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ऑल इकानोडर्म्स हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है द प्लूटियस लार्वा ऑफ इकानोडर्मेटा बिलोंग्स टू द क्लास, प्लूटियस लार्वा जो है इकानोडर्मेटा का वो आपका किस क्लास से बिलोंग करता है। फोर ऑप्शन दे रखे हैं होलोथ्राइडिया, ऑफिथ्राइडिया, क्रायनाइडिया, एस्ट्राइडिया। सो राइट आंसर ऑप्शन बी ऑफिथ्राइडिया। ऑफिथ्राइडिया में जो आपका ब्रिटल स्टार होती है, ब्रिटल स्टार में आपका जो प्लूटियस लार्वा स्टेज है ये पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑफिथ्राइडिया। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक करेक्टर ऑफ फाइलम इकानोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ, इकानोडर्मेटा का जो डायग्नोस्टिक करेक्टर है वो क्या चीज इसमें प्रेजेंट होती है, वही आपका एक प्रकार से डायग्नोस्टिक करेक्टर हो जाता है। स्पाइनी स्किन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, पेडिसिलरी। तो पेडिसिलरी और वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो आपके क्लियर हैं, तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो करेक्टर्स हैं ये एक प्रकार से डायग्नोस्टिक करेक्टर हैं जिनसे हम इकानोडर्म्स को पहचानते हैं। नेक्स्ट है इट कैन रीजनरेट इंटायर एलिमेंट्री कैनाल, इनमें से कौन जो है वो इंटायर एनिमल एलिमेंट्री कैनाल को रीजनरेट कर लेता है, फिश, एम्फीबिया, बर्ड या सी कुकुम्बर। राइट आंसर ऑप्शन डी सी कुकुम्बर। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड एग्जाम्पल, इनमें से कौन जो है वो सबसे अलग है। फोर ऑप्शन है सी फैन, सी आर्चिन, सी लिली या सी कुकुम्बर। तो इसमें जो सबसे अलग है वो है आपका सी फैन, बाकी सभी आपके इकानोडर्म्स हैं। सी फैन जो है ये आपका नीडेरियंस है, यानी नीडेरिया ग्रुप का है, और सी फैन के नाम से जानते हैं गॉर्गोनिया को, गॉर्गोनिया को हम आपका सी फैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली मैस्ड, इनमें से कौन जो है आपका प्रॉपरली मैस्ड है। फर्स्ट है आपका आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, स्पाइडर, नहीं होगा। मोलस्का, सिफेलोपोडा, यूनियो, नहीं होगा। इकानोडर्मेटा, एस्ट्राइडिया, स्टारफिश। तो इकानोडर्मेटा की जो स्टारफिश है इसकी क्लास एस्ट्राइडिया होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी इकानोडर्मेटा, एस्ट्राइडिया, स्टारफिश। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली इकानोडर्म करेक्टर, इनमें से कौन जो है वो आपका एक प्रकार से स्पेशल या विशिष्ट है जो आपका इकानोडर्म्स में ही पाया जाता है। ट्यूब फिट, सिलोमिक, सिलोम डिवाइडेड, रेडियल सिमेट्री या मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन। सो राइट आंसर ऑप्शन ए ट्यूब फिट। ट्यूब फिट जो है वो आपका केवल इकानोडर्म्स में ही पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है दिस हैज
माउथ ऑन लोअर साइड एंड एनस ऑन अपर साइड। इनमें से कौन है जिसमें आपका जो माउथ है लोअर साइड में होता है और एनस जो होता है अपर साइड में? फोर ऑप्शन, लेमुलस, डेफनिया, बूथस या सी आर्चिन। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, सी आर्चिन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इकोनोडर्म्स से। थैंक यू।